हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। इस कोरोना वायरस की जंग में अपने घर पे रहिए, स्टे सेफ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास क्लासरूम में, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ गई। चलो, जिन उनमें से एक टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है हमारा, टैरिफ के बेस पे जो आता है, आज टैरिफ बेस वाले न्यूमेरिकल करते हैं। बेसिकली टैरिफ से हमारा मतलब ये है कि हम जो एनर्जी यूज करते हैं हमारे घर में, पूरे महीने पूरे साल हमने जो एनर्जी यूज की, उसके बदले हमें कितने पैसे बिजली डिपार्टमेंट को देने पड़ते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल है आपकी बुक में, हम वो उठा रहे हैं। एग्जांपल में उन्होंने दे रखा है मैक्सिमम लोड गिवन है, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू 300 किलोवाट, ओके। देन पावर फैक्टर जो गिवन है 0.72, थोड़ा मेरा बोर्ड हिल रहा था। कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, मीन्स पूरे साल में उसने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की, वो है हमारा 40,000 यूनिट्स। रेट फॉर टैरिफ, रेट फॉर टैरिफ गिवन है 4.50 रुपीज पर केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ओके। साथ में इसने दे दिया कि प्लस 2 पैसे पर यूनिट, मीन्स जितनी टोटल आपकी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग 2 पैसा पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज और इसमें आएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। नंबर वन, एवरेज प्राइस पर यूनिट, हर एक यूनिट का एवरेज प्राइस क्या होगा हमें वो निकालना है। नंबर टू, सेविंग, एनुअल सेविंग कितनी हुई एक इंसान की, अगर पावर फैक्टर यूनिट ही है, इफ पावर फैक्टर इज 1, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इन्होंने मैक्सिमम लोड दे दिया, इट्स ओके। अब हमें निकालना है एवरेज प्राइस पर यूनिट। सबसे पहले ये चीज किलोवाट में गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केवीए में। चलो करते हैं, मैक्सिमम डिमांड इन केवीए, इसका एक फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, रुपीज ए इंटू केवीए प्लस बी इंटू केडब्ल्यूएच। चलो मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ए इंटू केवीए प्लस बी इंटू केडब्ल्यूएच किलोवाट आवर। अब ए मेरा है 4.50 रुपीस पर केवीए प्लस बी इंटू, बी है मेरा 2 पैसा पर यूनिट इन केडब्ल्यूएच। अब देखो निकालना क्या है, अब हमें निकालना है केवीए, किसमें केवीए कैसे निकालेंगे, हम केडब्ल्यूएच लेंगे 300 डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, पावर फैक्टर गिवन था 0.7, वी कैन से किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, ये हमें दे देगा केवीए। तो आंसर आया हमारा आफ्टर कैलकुलेशन 416.72
67 किलोवोल्ट एम्पीयर। केवी आ गया ना। पूरे साल में हमारी केडब्ल्यूएच का मतलब होता है हमने कितने यूनिट्स को यूज किया, कितने यूनिट यूज की हमने 40,000। अब 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पैसा से, तो क्या करेंगे हम टोटल यूनिट कंजम्पशन, टोटल यूनिट कंजम्पशन इज इक्वल टू 40,000 गिवन है हमें। यहां से हम ये चीज निकाल लेंगे बी वाला फॉर्मूला, ये देन बी इंटू के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू, देखो 2 पैसा गिवन है तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 2 / 100 मल्टीप्लाई बाई 40,000, ये हमारा निकला 800 रुपीज। 800 रुपीज हमारा ये आ गया। नाउ अब 800 हमारा क्या आया, B इंटू जब हमने के डब्ल्यू एच किया, अब हमें निकालना है A इंटू के वी ए। के वी ए मेरा निकला 416.67 मल्टीप्लाई बाई 4.50 और ये निकल के आता है मेरा 1875। तो मेरे पास 2 रुपीज आ गए हैं, 1875 अनदर वन इज 800। अगर मैं इन दोनों को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा मैक्सिमम डिमांड इन केवीए। इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या हो जाएगी, 1875 प्लस 800, ये आया मेरा 2600 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये क्या आया मेरा मैक्सिमम डिमांड इन केवीए। अब देखो जो सबसे पहला हमें निकालना है एवरेज प्राइस। एवरेज किसी भी चीज की आप कैसे निकाल सकते हैं, मींस आपने एक दिन में कितने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी को, जो आपके टोटल मंथ का था डिवाइड बाई 30 कर देंगे। अब यहां पे हमारे क्या था टोटल रुपीज कितना आया 2675, इसमें से निकालना क्या है नंबर 1 एवरेज प्राइस पर यूनिट। एवरेज प्राइस पर यूनिट, अब एवरेज प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगा, टोटल एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंज्यूम। कॉस्ट कितनी थी 2675 रुपए, यूनिट्स कितनी थी 40,000, क्या निकला 0.0668 पैसा, वी कैन से 6 रुपए 68 पैसे। ठीक है, ये मेरा कब निकला जब मेरा पावर फैक्टर था 0.72। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें है पावर फैक्टर को अगर मैंने 1 कर दिया, अब देखो पावर फैक्टर 1 कर दिया इट मींस यूनिटी हो गया। आ जाओ, व्हेन पावर फैक्टर बिकम 1, और पावर फैक्टर 1 होने से क्या हो जाएगा, जहां मैंने 300 डिवाइडेड बाय 0.72 किया था मींस किलोवाट एम्पियर में कन्वर्ट किया था, मैं वहां क्या कर दूंगा 300 / 1, ये मेरा आ गया 300 KVA। 300 KVA आ गया। अब मुझे डिफरेंस पता करना है कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी था तब कितना प्राइस आया, और पावर फैक्टर 0.72 था तब मेरा क्या आया। देखो 0.72 था तो मेरा कितना था 416.67 रुपीज था, कब व्हेन पावर फैक्टर था मेरा 0.72। अब हमें देखना है
जब पावर फैक्टर मेरा कितना होगा 3n, सॉरी यूनिटी पे आएगा, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एनुअल सेविंग इज इक्वल टू 4.50 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 416.67 माइनस 300, आंसर आया 525 रुपीज। अगर पावर फैक्टर आपके घर में यूनिटी रहता है तो आपने एक साल में 525 रुपीज बचाए, मीन्स 525 रुपए की आपकी बचत हो। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 कराऊंगा जो कि इसी से मिलता जुलता होता है।